दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा छोटा सा वीडियो का क्लिप दिखाएंगे जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के लिए सबसे बड़ी वीडियो है। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आपके स्क्रीन पर उस वीडियो को प्ले कर देते हैं, फिर इसकी स्टोरी बताते हैं। ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वाकई आप कहेंगे कि ओ भाई, ऐसा भी हो सकता है क्या। ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है, ये पता है ये वैसा वीडियो है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल गाना। आपने देखा होगा भोजपुरी में बहुत सारे गाने आए हैं, लेकिन अब तक का भोजपुरी का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला गाना बना है, जो कि करीबन 1 बिलियन व्यूज के है पार्टिकुलर एक चैनल पे, वो इस वीडियो से ही इंस्पिरेशन लेके बनाया गया था। दोस्तों ये वीडियो उस प्राचीन समय की है जिस युग में टिकटॉक हुआ करता था। अच्छा, ये वीडियो टिकटॉक पे उन दिनों इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था कि टिकटॉक के बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं वो इस वाले ही वीडियो पे रील बना रहे थे। इस वाले वीडियो पे रील बनाने का नतीजा होता था कि किसी का वीडियो वायरल हो जाता था, और फिर रितेश पांडे ने इक्का फेंका और इस पे ही इंस्पायर होके इस वीडियो के क्लिप के ही शब्दों का इस्तेमाल करके एक गाना रिलीज किया, और वो गाना ये था जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है। अब देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना ऐसे बना है। अब दोस्तों आप ये बात सोच रहे होंगे कि अरे यार, एक गाना हो गया तो इसको हम एग्जांपल मान ले कि नहीं ऐसे ही गाना बनता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम आपको एक और बहुत ही कमाल का एग्जांपल देते हैं। खेसारी लाल यादव को तो आप जानते ही होंगे, तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा। अब देखिए उनका एक बहुत ही फेमस गाना कौन है, ठीक है, मतलब कहीं भी खेसारी लाल यादव जाते हैं तो इस गाने को ही बैकग्राउंड में प्ले किया जाता है, क्योंकि यही वो गाना है जो सबसे ज्यादा ग्राउंड पे बजा था, और खेसारी लाल यादव को एक बूस्ट जो कह सकते हैं इसी गाना से मिला था। और ये जानते हैं गाना कहाँ से वायरल हुआ था, ये उसकी ओरिजिनल वीडियो क्लिप है। हमको नून रोटी खाया था, हम मर भात खाए, ठीक है, हमको इन्हीं के साथ रहना है, किसी से लेना देना, घर परिवार किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को भी हर एक रोस्टर ने रोस्ट किया था, और लगभग YouTube, Facebook, Instagram जैसे जगहों पे खूब ज़्यादा वायरल हुआ था ये वाली वीडियो, और खेसारी लाल यादव ने इस पर गाना गा दिया, और ये गाना बना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव का करियर मेकर सॉन्ग। चलिए दो एग्जाम्पल भी आपको समझ में नहीं आता होगा, तीसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश कर देते हैं, और ये शख्स का नाम है पवन सिंह। अब देखिए पवन सिंह का गाना तो सबसे हिट कहा जाए तो लॉलीपॉप लागे लुगाना है, जिनसे उनको पहचान मिली है, ठीक है, समझ गया। लेकिन पवन सिंह के करियर का सबसे बड़ा गाना पता है कौन है, वो गाना है पुदीना, जिसपे 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज अक्रॉस यूट्यूब है। और जानते हैं वो गाना कहाँ से आया था, उसका ओरिजिनल वीडियो क्लिप ये है। एक दफा और निकाल मेरा पुदीना। अब देखिए इस वाले वीडियो क्लिप की भी स्टोरी कुछ ठीक है जैसी ही है, खूब ज़्यादा इसको वायरल किया गया, हर एक मीम पे इसका इस्तेमाल किया गया, जिसके वजह से जब भी पवन सिंह ने इस पे गाना बनाया, पवन सिंह का एक अपना नाम और इस गाने का अपना नाम बूम से ब्लास्ट हुआ गाना, और 1 बिलियन के लकीर को खींच दिया जो आज तक किसी भोजपुरी सुपरस्टार ने नहीं खींचा है। खैर मन में ख्याल तो ये भी आ गया होगा आपके कि अरे ये लोग बड़े सुपरस्टार हैं, ये लोग कुछ भी गा देंगे, वायरल मैटर तो बहुत बजेगा, हम लोग कहाँ से गाएं, हम लोग क्या करें। तो बिल्कुल आप गलत हैं, एकदम ताज़ा तरीन एग्जांपल देते हैं, और वो है अग्निवीर योजना आने से जो सैनिक थे उनका नौकरी जो है वो कम कर दिया गया, और वो बस 4 साल का नौकरी बच गया। फिर एक बड़े ही नए सिंगर कह सकते हैं जिनको पहले कोई जानता भी नहीं था, उनका गाना आता है तो यार रमी के जिंदगी के साथ खेलने वाला हूं चाहे बेचे वाला। अब उन दिनों हर एक सोशल मीडिया, हर एक फेसबुक, व्हाट्सएप पे ये गाना जो है वो ट्रेंड करने लगा, और इस गाने पे व्यूज भी अच्छे खासे हैं। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपको भी सुपरस्टार की कैटेगरी में घुसना है, आप भी अपने लाइफ में कुछ करना और बनना चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, जैसे पवन सिंह ने किया, खेसारी लाल यादव ने किया, या फिर रितेश पांडे ने किया। ऐसा नहीं है कि उसका बहुत बड़ा नाम है तो वही आगे बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ सकते हैं। सही समय पर सही डिसीजन लीजिए और सही काम कर दीजिए, आप भी एक दिन वायरल होइएगा, और आपके बारे में ही मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँगा। तो फिर दबा के मेहनत कीजिए और ट्रेंड को फॉलो कीजिए। उम्मीद है ये 3 गाने की जो कि भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना है, इसको स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।